जोड़ के हेलो जी, हाय जी, शनाली मेरा नाय जी। आज मैं हूँ माय फ्रॉम चंडीगढ़ में। लड़की को अच्छा लगता है, सो मेनी मैसेजेस, ऑलवेज 100 मैसेजेस। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। नमस्ते, सत श्री अकाल सारनु। आज मैं हूँ माया फ्रॉम चंडीगढ़ में इंटरव्यूइंग द मोस्ट फेमस एंड एनर्जेटिक आरजे ऑफ ट्राई सिटी, आरजे सोनाली, हु इज होस्टिंग द मॉर्निंग शो द सोनाली शो। सो अब मैं अपने शो अनफिल्टर्ड टॉक्स पर उनसे बात करूंगी अबाउट हर जर्नी, एक्सपीरियंसेस एंड अ लॉट मोर। सो लेट्स बिगिन। मैम, एज यू आर होस्टिंग द मॉर्निंग शो द सोनाली शो, सो व्हाट ऑल डू यू डू इन योर शो? आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय शो। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इट्स ऑलवेज सो लवली, क्योंकि हम रेडियो जॉकीज ना सामने ऐसे कांच होता है और उसमें देख कर ही यूजली बातें कर रहे होते हैं, प्लेइंग सॉन्ग्स, प्लेइंग विद द फेडर्स, प्लेइंग विद द हुक्स। बहुत कम ऐसे होता है ना कि जब आप सामने बैठ के किसी से बात करो इन द स्टूडियो। ऑन ग्राउंड तो हम लोग आए दिन जाते ही रहते हैं। इन माई शो, ऑन माई शो एक्चुअली वी हैव मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमारे करंट हॉट टॉपिक्स होते हैं, डिबेट्स होते हैं। For example, I'll state an example of Men's Day. So I asked a few girls about आज की तारीख में भी आपको एक लड़का अगर चाहिए तो कैसा होता है एक अच्छा लड़का, define अच्छा लड़का। तो they said जिसके पास job होती है या जिसकी beard होती है, you know, अभी भी बड़े superficial parameters हैं लड़कों के लिए। तो मैं इस मुद्दे पर बात करूँगी, है ना, Men's Day का example। और on the other hand हमने किया मर्दों की बात कि क्या अभी भी ऐसा होता है जो joke बनता है कि आदमियों को अगर रात को पार्टी करनी है तो उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी से परमिशन मांगनी पड़ेगी। सो इज दैट ऑल्सो, तो वो दोनों चीज़ें हुई। वी ट्रीटेड द टॉपिक इन अ सीरियस वे कि कहीं है जो प्रॉब्लम है, एंड ऑल्सो उसे थोड़ा फन के साथ अप्रोच किया, बिकॉज रेडियो इज नोन फॉर दैट, फॉर एंटरटेनमेंट। इट इज सपोज टू मेक यू फील हैप्पी, एट द सेम टाइम रेज अ फ्यू क्वेश्चंस, रेज अ फ्यू आईब्रोज मे बी, है ना। तो सुबह शुरुआत होती है 7 बजे मेरे शो की, 11 बजे तक ये शो चलता है, द सोनाली शो इसका नाम है ऑन माय एफएम। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मैंने बहुत सारे एक्चुअली शहरों में शो किया है। इट्स बिन लास्ट आई डोंट नो 9 and a half years आई हैव बीन एसोसिएटेड विद रेडियो माय एफएम इटसेल्फ। और इस दौरान मैंने अलग अलग शहरों में काम किया, जयपुर, कोटा विच वॉज माई होम टाउन, अहमदाबाद, जयपुर में, राजस्थान में, उदयपुर भी था। तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि ट्राई सिटी में सबसे ज़्यादा जल्दी लोग कॉल करते हैं। आई एंटर माई स्टूडियो एंड देयर विल बी समबडी कॉलिंग, फोन रिंग कर रहा होता है कि ओके हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हुआ, जस्ट टू आस्क मी कैसे हुआ। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिटी एंड ऑल्सो द रिस्पॉन्स इज ब्यूटीफुल टूवर्ड्स रेडियो। मुझे लगता है कि एक चीज़ जो शो में और होती है वो है कि हमारा लिस्नर कनेक्ट बहुत है, हम लोग बहुत फ़ोन पर बातें करते हैं और मैं बहुत गप्पे करती हूँ। सो दैट्स व्हाट आई डू अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट बॉलीवुड, अबाउट व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, हम बड़े गप्पे मारते हैं। Thanks for your lovely answer, ma'am. So, what along with radio are you doing nowadays? Okay. Actually, अभी एक perception था radio का ना कि बड़ा part time सा होता है radio, but I don't think so because full time job है radio. Doing something along with radio is a difficult task. It's a perfect 9-10 hours job. और मेरे लिए तो लंबी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि सुबह आते हो आप, then you do your show, you come at 6 and prepare a little bit. 7 बजे show शुरू होता है, फिर सबकी दुकानें तो बाद में ही खुलती हैं, बाकी सारे तो 11 बजे ही आने हैं। तो हमारा असली काम 11 बजे बाद, 10 बजे बाद शुरू होता है। देन वी मीट पीपल, इंटरव्यू अ लॉट ऑफ पीपल, सेलेब्स। एक रेडियो का कोर जॉब ये, डूइंग वॉइस ओवर्स एंड स्टफ। अदर देन दैट, सिंस द डिजिटल स्पेस, सोशल मीडिया हैज टेकन ओवर लाइक एनीथिंग, तो हम रेडियो जॉकीज कई बार वीडियोज बनाने में बड़े बिजी होते हैं, या इंटरव्यूज जो खाली ऑडियो हुआ करते थे अब वो वीडियो भी हो जाते हैं। सो वी डू दैट, वी गो ऑन ग्राउंड और हम यूजुअली अलग अलग टॉपिक्स पर लोगों के परसेप्शंस, लोगों के ओपिनियंस देख रहे होते हैं, और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जैसे लोग आवाज़ हमारी रेडियो पर सुनते हैं वैसे लोग सोशल मीडिया पर भी ये वॉइस सुने, क्योंकि आवाज़ सुने लोग उसके लिए आवाज़ तेज़ नहीं, बुलंद होनी चाहिए। ओके, फैंस तो बहुत बड़ा वर्ड है ऑल्दो, फर्स्ट ऑफ ऑल, बट द पीपल जो जुड़े हुए हैं, क्रेजीनेस कहूँगी या बड़े वियर्ड कई बार आ जाते हैं जो सोशल मीडिया पे कमेंट्स होते हैं। एक तो आई लव यू के बाद सब दीदी लिख देते हैं मुझे, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, आई लव यू दीदी लिख देते हैं सीधा। बट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि जब से मैंने रेडियो शुरू किया है और जब से मैंने पहला वीडियो डाला है टिल टुडे, देर आर एन नंबर ऑफ मैसेजेस ऑफ मैरी मी, और वो MERRY वाला मैरी होता है वो बहुत होता है, आई डोंट हैव टू लाइक हैंडल इट, इट्स समथिंग
एक तो अच्छा भी लगता है आपको यार, किस लड़की को अच्छा नहीं लगता है, तो सो मेनी मैसेजेस, ऑलवेज 100 मैसेजेस अनरेड, तो प्राउड फील कर रहे हैं देखकर. बट या दैट्स देयर. देयर हैव बीन पीपल हु रिमेंबर माय बर्थडे इवन बिफोर आई रिमेंबर कि यार ये मंथ चालू हो गया मेरा. देयर हैव बीन पीपल जो इतनी दूर दूर से कभी चॉकलेट्स लेकर आते हैं. महाराष्ट्र से एक बार किसी ने स्केच बना के भेज दिया, परफेक्ट, इट्स ब्यूटिफुल. मेरे पास अभी है नहीं, आई वुड हैव शोन यू दैट, बट इट्स मोस्टली लव आई वुड से. मुझे याद है कि मैं एक बार एक कॉलेज में गई थी एंड दैट वॉज इन जयपुर, और इतनी भीड़ थी दैट दे हैड टू लाइक कॉल बाउंसर्स एंड यू नो खींचो मी आउट ऑफ इट. सो इट्स मोस्टली प्यार द लव दैट आई गेट, नथिंग दैट क्रेजी आई वुड से. वन टाइम इट गॉट एक्सट्रीमली क्रेजी, आई वॉज इन माई होम टाउन, और ये बड़ा शुरुआत का टाइम था, आई गेस 1 or 2 years मुझे रेडियो जॉकी बने हुए, और मैं अपने ग्रुप में हुई थी फेमस ये लड़की आरजे. तब नहीं होता था सोशल मीडिया का इतना सीन, तब तो फेसबुक के नए नए दिन थे, जब वो एंजल प्रिया वाली डीपीज होती थी लड़कियों की, या दीपिका पादुकोण, जैकलीन फर्नांडिस की फोटो लगती थी. तो ये तब का टाइम है एंड आई यूज टू वॉक होम, बिकॉज एकदम मेरे घर के पीछे मेरा स्टूडियो था. समटाइम्स आई यूज टू वॉक होम इन द इवनिंग, और तब आई रिमेंबर देर वॉज अ गाय जो ऐसे रोज उसने मेरा पैटर्न देख लिया था, उसे पता था कि मैं कौन हूँ, बिकॉज ही न्यू वेयर आई वर्क, सो यूज टू फॉलो मी एवरी डे, आते जाते ऐसे लगातार. और फिर उसने बोलना चालू कर दिया था आरजे सोनाली, सो जिसको नहीं पता होता था उसे भी पता चल जाता था कि ये कौन है. सो दैट हैपेंड, बट आई टुक सम हेल्प ऑफ माई फ्रेंड्स और फिर गॉट रीड ऑफ ऑल दैट, बट दैट्स द मोस्ट क्रेजी दैट हैज हैपेंड. इससे ज़्यादा क्रेजी नहीं हुआ है. Your next question is, how radio has evolved का महीना था एंड उस समय पेपर में इतना छोटा सा एक आर्टिकल आया था कि माई एफ एम में देयर इज अ रेडियो जॉकी रिक्वायर्ड. सो माई पेरेंट्स वो लाइक, मुझे बनना था रेडियो जॉकी. आई डोंट नो व्हेन द ड्रीम स्टार्टेड, बट आई वांटेड टू बिकम अ रेडियो जॉकी. तो मेरे पेरेंट्स ने कहा गो ट्राई, आई वाज वेरी एंग्री कि आप लोग ना मुझे बिना ग्रूमिंग कराए और बिना कोई कोर्स कराए भेज रहे हो ताकि आई फेल एंड आई कम बैक और मैं फिर रेगुलर पढ़ाई करूँ. गो, ठीक है. दिस वॉज द टाइम जब मैं वही बहुत टेकी काइंड ऑफ पर्सन नहीं थी तब भी. तो हम एक साइबर कैफे पे गए एंड I went there alone. I was just 12th का बोर्ड एग्जाम दिया हुआ बच्चा. एक आधे A4 साइज पेज पे मेरा रिज्यूमे बना था पूरा. दिस इज व्हाट परस्यूइंग 12th, और 3-4 मैंने कोई स्कूल की रेस में अब मेडल जीते होंगे वो मैंने लिखे उसमें. देन आई वेंट टू द रेडियो स्टेशन विच इज माई FM कोटा, इट्स माई होम टाउन. सो आई वेंट देयर और वहाँ मेरी रेडियो जॉकी बनने का जो सपना था वो ऐसे टूटा कि आप तो बहुत छोटे हो. एंड दे सेड वी आर गोइंग टू ऑफर यू एन इंटर्नशिप. आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी यार, ये तो बहुत चमत्कार हो गया, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था. फिर मैंने वहाँ पर काम करना शुरू किया. आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माई मेंटर वॉज मिस्टर राघवेंद्र सिंह एंड वो तब वहाँ पे मॉर्निंग जॉक थे. सो ही ट्रेन मी रियल नाइस और हमने बहुत बहुत मज़े किए थे कोटा में, आई रिमेंबर. उसके बाद आई स्टार्टेड इन उदयपुर और तब वो वक्त था जब भीड़ आती थी ऑडिशन में. आई रिमेंबर अ रूम फुल ऑफ पीपल, बाहर लंबी लाइन बिकॉज रेडियो जॉकी बनने के लिए एक ऐड आया है. तो ये वो दौर था जब जिन मेंटोर का मैंने जिक्र किया उनके पास खत आते थे, लंबे लंबे खत, यू नो पीपल क्रेजी. सो इट वॉज लाइक दैट. अब तो खैर अगर आप किसी के फैन स्टैन होते भी हो तो यू आर नॉट लाइक एग्जैक्टली इन टू द पर्सन ऑब्सेस, दैट इज अ डिफरेंट केस, लाइक शाहरुख खान का फैन मूवी ऑल टुगेदर नाउ. पर तब ऐसा होता था रेडियो जॉकी को लोग रोज सुनते थे, दे वर नॉट एबल टू सी देम. टुडे द टाइम हैज चेंज्ड इन द सेंस कि अब कितना कुछ डिजिटल हो गया, डिजिटल रेडियो भी सुनते हैं आजकल तो लोग. यू आर एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड देन यू जस्ट क्लिक ऑन इंडिया का कोलकाता में चल रहा रेडियो स्टेशन या चंडीगढ़ में चल, एंड यू कैन लिसन टू इट, राइट. सो सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है. ऑफकोर्स दे आर सो मेनी चैलेंजेस, बट अलोंग विद द चैलेंजेस आई बिलीव, जो मुझे बड़ा पर्सनली लगता है कि ये सारी चीज़ें जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है, बी द ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स और बी द डिजिटल सिनेरियो, इट ओनली एड्स टू योर ऑडियंस आई बिलीव. जो रेडियो सुन रहे हैं वही लोग आपको डिजिटल मीडिया पे भी देख रहे हैं, तो
lot of opportunities added. And ma'am, what motivated you to become an RJ? Okay. मैं जब अपने शहर में थी, I was very young, so I used to listen to radio and I don't know if you could relate to it, but in our back in our days, मैं कोई बहुत बड़ी तो होनी तुमसे बोल दो, but I'm just gonna mention I'm a millennial and हम लोग जब छोटे हुआ करते थे, there used to be tape recorders, जिसमें से बटन ऐसे अंदर डाल के फास्ट फॉरवर्ड और रिवाइंड किया जाता था एंड देर वॉज दिस एंटीना जिससे हम टक टक करके रेडियो चलाते थे. तो ये मेरा फेवरेट हॉबी था, रेडियो सुनना, लाई डाउन ऑल द टाइम और रेडियो सुना. और तब जो आरजेज नया नया मैंने सुनना शुरू किया था, इट वॉज बैक इन 2010, और कितने बड़े स्टाइल में बोलते थे रेडियो जॉकीज, आप नया नया सुन रहे हो, कूल कुछ लोग हैं, यू नो. तो मैंने आई थॉट दैट इट्स समथिंग दैट गेट्स यू फेम, पीपल लिसन टू यू, एंड वॉट एवर एज, जो भी बंदा जिस भी एज में, जो भी जेंडर है बोल रहे हैं, पीपल लिसन टू देम, राइट. यार इनकी तो बहुत रिस्पेक्ट है मार्केट में, मेरे को ये वाली रिस्पेक्ट चाहिए. तो आई वॉज लाइक दैट एंड स्टार्टेड विद दैट छोटा सा कीड़ा इन माई माइंड. आई वॉज इन 10th और 11th आई बिलीव. सो आई टोल्ड माई मॉम दैट मेरे को एक ग्रूमिंग क्लास कराओ. तब नया नया ना ऐसे अखबारों में, क्लासिफाइड में और पैम्पलेट्स में आता था कि रेडियो जॉकी बनना सीखे. कौन सा इंस्टीट्यूट था कुछ नहीं पता था, वो ग्रूमिंग क्लास में भेज दो जो मुझे सिखाए. तो वो आज आते थे और वो बड़े कूल लगते थे और सारे रेडियो जॉकीज को देखकर मन करता था आई डू समथिंग लाइक दिस. सो नेवर थॉट रेडियो में आना होगा, बिकॉज एजुकेशन अकेडमिक्स मेरे बड़े एवरेज से थे. एंड अभी मुझे वो कोट याद आया कि द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन इज ऑलवेज बेटर देन द मास्टर ऑफ वन. तो ये मेरे दिमाग में था और या दैट्स व्हाट हैपेंड. व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? ये बड़ा इंटरव्यू वाला सवाल है वैसे. वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? आई सी माई सेल्फ इन द फ्यूचर प्रोबेबली फाइटिंग ओनली. मेरी दे आर सो मेनी रेडियो जॉकीज एंड दे टॉक, दे क्रैक जोक्स. आई लाइक टू स्पीक अबाउट थिंग्स पीपल डोंट स्पीक अबाउट, और उसके लिए मुझे बड़ा क्रिटिसिज्म भी मिलता है कई बार. आई हैव लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ दिस हैबिट ऑफ माइन पर्सनली, बट आई सी माई सेल्फ डूइंग दैट ओनली, टॉकिंग अबाउट इश्यूज नोबडी एल्स टॉक्स अबाउट. और रिसेंटली मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आई डू वीडियोज इन अ रिपोर्टर रिपोर्टिंग मैनर, थोड़ा सा शायरी करते हुए, रिपोर्टिंग करते हुए. सो दीज वर अबाउट इशूज, जैसे नींबू प्राइस महंगा हो गया है, महंगाई आ गई है, इलेक्ट्रिसिटी कट बहुत ज़्यादा है, नोबडी टॉक्स अबाउट इट, राइट. यू डोंट सी दैट इन अ प्राइम टाइम शो. आई थॉट लेट्स डू इट. आई डिड ऑन रेडियो, आई डिड इन वीडियोज ऑल्सो, इट वर्कड, लकीली इट वर्कड, ऑल्दो वो 4 साल पहले से कर रही हूँ मैं, बट इट वर्कड नाउ. सो प्रोबेबली आई बी डूइंग समथिंग लाइक दिस ओनली ऑन रेडियो, ऑन डिजिटल मीडियम, आई डोंट नो समवेयर एल्स, आई डोंट नो, बट आई बी डूइंग दिस ओनली. Ma'am, do you want to stick to this profession only? Being a radio jockey? Yes. I guess, yes. I tried something else, but I was missing radio so bad. Because I'll tell you one thing, I used to say this to my friend also. 4 hours of doing whatever the hell I want to do. It's basically that. Subah ko 7 se 11, this is my time. People don't get me time, right? I get this me time, I get paid for the me time. And I can say whatever. Of course, there's there are layers of censorship. पर मुझे लगता है कि आई एम वेरी मच कम्फर्टेबल विथ रेडियो. कम्फर्ट भी है बिकॉज राइट आफ्टर माई 12th क्लास का एग्जाम्स एंड आई वॉज 18, आई ज्वाइन रेडियो, आई हैव लर्न्ड दैट ओनली. मैं कई बार खुद से ये सवाल भी पूछ रही होती हूँ कि मुझे क्या आता है रेडियो के अलावा यार. आई लव द मीडियम. सो बी इट यू नो रेडियो का सिर्फ लिसनर बने रहना और बींग अ रेडियो जॉकी, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइम. तो मैं रेडियो से जरूर जुड़ी रहूंगी. सो दैट्स गोना हैपन. एंड मैम, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू द फ्यूचर जनरेशन? इतना इसने जनरेशन जनरेशन बोला है, मुझे बूढ़ा फील हो रहा है थोड़ा. बट या देयर आर सो मेनी थिंग्स आई'd लाइक टू टेल पीपल हु आर जॉइनिंग रेडियो नाउ. आई एम नोबडी टू टेल यू एनी ऑफ दिस आई बिलीव, बिकॉज आई एम स्टिल ऑन द जर्नी यार. और मैं अभी भी वो स्टक मिलेनियल हूँ, ट्राइंग टू बी अ जेन ज़ी एंड स्टक विद द सोच ऑफ ओल्ड पीपल. क्या कहते हैं, बूमर्स ऐसा कुछ कहते हैं हमारी एक्स जेन एक्स को. तो बेबी बूमर्स वही वाली मेरी सोच है और मैं जेन ज़ी बनने की कोशिश कर रही हूँ, बट स्टक मिलेनियल हूँ. तो माय टू सेंस वुड बी से व्हाटएवर. बहुत लोग चुप हो जाते हैं, बहुत लोग चुप हो जाते हैं व्हेन देयर इज अ बैड कमेंट की है तू क्या बोल रही है, विच इज
एवरी अदर डे ऑन सोशल मीडिया और मे बी अ कॉलर विल कॉल यू एंड से मैम आप ये बात सही नहीं कर रहे हो. नेवर एवर बी अफ्रेड ऑफ पुटिंग योर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ एनी बडी ऑन द टेबल. मतलब मेरा तो ये मानना है. आई टुक अ लॉट ऑफ ईयर्स टू अंडरस्टैंड कि भाई साहब आपके जो दिल में आपको बोलना चाहिए बट फाइनली आई एम देयर. आई बिलीव द लास्ट वन ईयर हैज़ बीन अ गेम चेंजर फॉर मी ऑल्सो. आई एज दैट गर्ल कि हाँ जी कर दूंगी, हाँ जी बोलो, मैं बैठ जाऊंगी रात के 12 बजे तक, वी आल डू इट. सो यू नो चेंज दैट, दैट्स वन थिंग. वर्क ऑन योर सेल्फ, यू आर नॉट बींग सेल्फिश, इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स बेसिक 3 रूल्स ऑफ लाइफ एनी प्रोफेशन. अगर आपने ये चीज़ें, ये अपना वाला डर है ना कि मैं कैसे बोलूँ, कॉन्कर कर लिया, तो आई थिंक यू विल कॉन्कर एनी थिंग. कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, खुद से भी ज़रूरी है और ज़माने से भी ज़रूरी है. इवन इफ यू आर आई डोंट नो एन HR और जस्ट डूइंग 9 to 5 डेस्क जॉब और यू आर अ रेडियो जॉकी और कॉन्टेंट क्रिएटर, कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट. That was it. But thank you so much, yeah. Thank you so much for having me. Thank you so much for coming here. And I hope the studio acha laga. So, thank you so much. Thank All the best you. For your future. Thank you. Thank you. ये थी आज सोनाली, जिन्होंने की मेरे साथ बहुत सी अनफिल्टर्ड बातें और उन्होंने मुझे अपनी जर्नी एक्सपीरियंसेस के बारे में बहुत कुछ बताया. और ऐसी बातों के बारे में जानने के लिए आप देखते रहिए मेरा शो द अनफिल्टर्ड टॉक्स. थैंक यू.